24 जॉब न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रोजगार समाचार है दिसंबर 2023 का सेकंड वीक का। 13 विभागों में सरकारी वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन, इसमें 10th, 12th एंड ग्रेजुएट। इसमें केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित वीकली एम्प्लॉयमेंट से तैयार किया और राज्य में जो वैकेंसी उसको भी इन्फॉर्मेशन दी गई। आपको मैं बता दूं, उसमें साथ में बताऊँ, डिटेल में देखने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और जिस वैकेंसी का डेटा भी बाकी है वो भी इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। जो लोग चैनल पर नए विजिट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट जॉब का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सभी जॉब एक्टिव जॉब है और एवरी संडे को 6 PM पर यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है। तो पहली वैकेंसी निकल कर आ रही है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR की तरफ से पोस्ट है। SO ASO की टोटल पोस्ट 444 पोस्ट है। योग्यता में यूनिवर्सिटी डिग्री होना अनिवार्य है। एज लिमिट 18 से 33 ईयर्स के बीच होना चाहिए। अप्लाई फीस रहेगा ₹500 जनरल OBC EWS के लिए और नील फॉर SC ST PH फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। स्टार डेट ऑफ आर्मी का 8/12/2023 से और लास्ट डेट ऑफ आर्मी का 12/1/2024 तक अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रहेगा ₹47,600 से ₹1,51,100 पर मंथ। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में रहेगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट www.csir.res.in, इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इसका नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। भाई जरूर चेक कर लेना, इसमें देश भर के युवा अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की तरफ से पोस्ट है टेक्नीशियन बी की। टोटल पोस्ट 54 पोस्ट है। योग्यता में SSLC, SSC पास या फिर ITI, NTC या फिर NSC इन रिलेवेंट ट्रेड फ्रॉम NCBT से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 35 ईयर्स के बीच होना चाहिए। अप्लाई फीस रहेगा ₹100 से ₹500 तक जो कि पोस्ट वाइज। स्टार्ट डेट ऑफ आर्मी का 9/12/2023 से और लास्ट डेट ऑफ आर्मी का 31/12/2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रहेगा ₹31,682 पर मंथ। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में रहेगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट www.nrsc.gov.in, इस पर अगर वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। अगली वैकेंसी है इंडियन नेवी की तरफ से पोस्ट है टेस्टमैन, मेट, चार्जमैन और अदर पोस्ट। टोटल पोस्ट 910 पोस्ट है। योग्यता में 10th स्टैंडर्ड विथ ITI भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या फिर बैचलर डिग्री ऑफ साइंस या फिर डिप्लोमा वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 25 या 27 तक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फीस रहेगा ₹295 जनरल OBC EWS के लिए और नील फॉर SC ST PWD या फिर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। स्टार्ट डेट ऑफ आर्मी का 18/12/2023 से और लास्ट डेट है 31/12/2023 तक अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में रहेगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट www.joininindianavy.gov.in, इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें देश भर के वो अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। अगली वैकेंसी है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से पोस्ट है स्टेनोग्राफर, प्यून एंड जूनियर क्लर्क की। टोटल पोस्ट 4,629 पोस्ट है। योग्यता में 10th 12th डिग्री विद NIC जो एक जो कि कंप्यूटर डिग्री होता है, एपटेक या फिर NIT CDEC वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 38 ईयर्स के बीच होना चाहिए। अप्लाई फीस रहेगा ₹1,000 जनरल के लिए और ₹900 रहेगा SC ST OBC SBC के लिए। लास्ट डेट पर मैंने कहा 18/12/2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रहेगा वेरियस पोस्ट वाइज। जॉब लोकेशन महाराष्ट्र में रहेगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट www.bombayhighcourt.nic.in, इस पर अगर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें देश भर के वो अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। अगली वैकेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से पोस्ट है वेरियस पोस्ट। टोटल पोस्ट 158 पोस्ट है। योग्यता में 10+2 या इक्विवेलेंट या फिर टाइपिंग टेस्ट विथ स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। कंप्यूटर पर टाइपिंग करना होगा या फिर बैचलर डिग्री है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ITI वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 40 ईयर्स के बीच होना चाहिए। अप्लाई फीस रहेगा ₹1,000 जनरल OBC के लिए और ₹600 रहेगा SC ST EWS और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। लास्ट डेट पर मैंने कहा 21/12/2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रहेगा वेरियस पोस्ट वाइज। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में रहेगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन है। ऑफिशियल वेबसाइट www.exams.nta.nsac.in, इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें देश भर के युवा अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नादान रीजन की तरफ से पोस्ट है अप्रेंटिस की। टोटल पोस्ट 3,093 पोस्ट है। योग्यता में 10th के साथ ITI रिलेटेड ट्रेड में होना चाहिए। एज लिमिट 15 से 24 ईयर्स के बीच होना चाहिए। अप्लाई फीस रहेगा ₹100 जनरल OBC EWS के लिए और नील फॉर SC ST के लिए कोई भी चार्ज नहीं है।
स्टार्ट डेट पर मैंने कहा 11/12/2023 से, और लास्ट डेट पर मैंने कहा 11/1/2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन दिल्ली में रहेगा, अप्लाई मोड ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट www.rrcnr.org इस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें देश भर की वो अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल है। नेक्स्ट वैकेंसी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पोस्ट, स्टाफ नर्स की टोटल पोस्ट 27 पोस्ट है। योग्यता में क्लास 10th विद साइंस के साथ होना चाहिए, या फिर इंटरमीडिएट एग्जाम पास, या फिर डिप्लोमा इन मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग में होना अनिवार्य है। एज लिमिट 21 से 40 ईयर्स के बीच होना चाहिए। अप्लाई फीस रहेगा ₹125 जनरल ओबीसी के लिए, ₹65 रहेगा SC/ST के लिए। लास्ट डेट फॉर मैंने कहा 1/1/2024 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश में रहेगा, अप्लाई मोड ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट www.uppsc.up.nic.in इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें देश भर की वो अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल है। नेक्स्ट वैकेंसी है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से पोस्ट, बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 जो कि 7279 पोस्ट है। योग्यता इसमें होना चाहिए 10+2 इंटरमीडिएट विद DELED स्पेशल एजुकेशन, या फिर बैचलर डिग्री। एज लिमिट 18 से 40 ईयर्स के बीच होना चाहिए। अप्लाई फीस रहेगा ₹760 से ₹1440 तक। लास्ट डेट फॉर मैंने का 22/12/2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रहेगा वेरियस पोस्ट वाइज, जॉब लोकेशन बिहार में रहेगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट www.besebstt.com इस पर अगर आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें देश भर की वो अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। अगली वैकेंसी है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पोस्ट, असिस्टेंट इंप्लीमेंट ऑफिसर्स ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर्स, नायब तहसीलदार, ट्रैफिक मैनेजर एंड अदर्स की टोटल पोस्ट 121 पोस्ट है। योग्यता में बैचलर डिग्री होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 27 या फिर 40 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फीस रहेगा ₹1000 जनरल के लिए, और ₹250 रहेगा ओबीसी SC/ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए। लास्ट डेट 21/12/2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन हरियाणा में रहेगा, अप्लाई मोड ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट www.hpsc.up.in इस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और इसका नोटिफिकेशन का लिंक भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही चेक कर सकते हैं। इसमें देश भर की वो अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। अगली वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पोस्ट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी अब कैट की टोटल पोस्ट 370 पोस्ट है। उदास में 50% मार्क्स मैथ एंड फिजिक्स में होना अनिवार्य है, जो कि 10+2 लेवल के हिसाब से ग्रेजुएशन या फिर 3 ईयर्स डिग्री कोर्स है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 20 से 24 ईयर्स के बीच होना चाहिए। अप्लाई फीस रहेगा ₹550 फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। लास्ट डेट फॉर्म बनेगा 30/12/2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन ऑल इंडिया में रहेगा, अप्लाई मोड ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट www.upgate.cdhc.in इस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें देश भर की वो अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। अगली वैकेंसी है साउथ ईस्टर्न रेलवे SER कोलकाता की तरफ से पोस्ट है, अप्रेंटिस की टोटल पोस्ट 1785 पोस्ट है। योग्यता में 10th के साथ ITI होना चाहिए। एज लिमिट 15 से 24 ईयर्स के बीच होना चाहिए। अप्लाई फीस रहेगा ₹100 जनरल ओबीसी EWS के लिए, और नील फॉर SC/ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। लास्ट डेट है 28/12/2023। जो एप्लीकेशन कोलकाता में रहेगा, अप्लाई मोड ऑनलाइन है। ऑफिशियल वेबसाइट www.rrcser.co.in इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देश भर की वो अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है दिल्ली सुपरिटेंडेंट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से पोस्ट, वेरियस पोस्ट, टोटल पोस्ट 863 पोस्ट है। योग्यता में 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट, या फिर डिप्लोमा इन होम्योपैथी, या फिर BSc MSc ITI इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 27 ईयर्स के बीच होना चाहिए। अप्लाई फीस रहेगा ₹100 जनरल ओबीसी EWS के लिए, और नील फॉर SC/ST के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। लास्ट डेट फॉर मैंने कहा 20/12/2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन दिल्ली में रहेगा, अप्लाई मोड ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट www.dssb.delhi.gov.in इस पर अगर आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें देश भर की वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट जॉब का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।